गाइज, एप्पल की तरफ से जो एप्पल इवेंट है 22 का, वो हो चुका है 8 मार्च को। और यहाँ पर एप्पल की तरफ से हमें और भी काफ़ी सारी अपडेट्स और काफ़ी सारी नई चीज़ें जो गैजेट्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं गैजेट्स के बारे में ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि एप्पल अपने नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर हमें क्या यहाँ पर सर्विसेज देने वाला है और क्या क्या चीज़ें हमें एप्पल की तरफ से देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि एप्पल के फैन का जो एक मार्केट में लेवल है वो अलग ही है। तो आप भी अगर एप्पल के फैन हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो गाइज, यहां पर हमें सबसे पहले एप्पल की तरफ से हमें देखने को मिलता है एप्पल टीवी प्लस, जो कि इंडिया के अंदर तो यहां पर ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पर फिर भी एप्पल की तरफ से हमें जो अपडेट मिली है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें एप्पल ने बताया है कि यहां पर एप्पल की तरफ से काफी सारी वेब सीरीजेस, नए सीरियल्स और भी काफी सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और एक स्पेशल यहां पर अपडेट दी गई है कि फ्राइडे नाइट को यहां पर बेसबॉल मैच देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंडिया में कितने लोग बेसबॉल मैच देखते हैं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से ये चीज इंडियंस के लिए अच्छी नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है। यहां पर हमें अपडेट देखने को मिली है आईफोन 13 के बारे में। आईफोन 13 के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एप्पल का एकदम नया लेटेस्ट वाला जो आईफोन है वो आईफोन 13 है और उसकी सीरीज है। तो यहाँ पर iPhone 30 के अंदर अभी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर Apple की तरफ से दो और कलर्स को अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें iPhone 13 और iPhone 13 Pro में आपको ये कलर्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का ये शेड है, जिसको Apple ने कहा है एक तो Alpine ग्रीन और एक है ग्रीन। तो यहाँ पर आपको नया कलर जो मार्केट में देखने को मिला है, वैसे ये कलर आपको पहले भी एप्पल के प्रोडक्ट्स में देखने को मिला होगा। आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन से प्रोडक्ट में आपको ये कलर पहले से ही एप्पल की तरफ से हमें देखने को मिला है। कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। अब देखते हैं आप में से कितने लोग आईफोन को इस कलर में परचेज करने वाले हैं। इसी के साथ में एप्पल ने यहाँ पर बताया है कि इस कलर के अंदर आईफोन 13 आपको मार्च 18 के बाद मार्केट में मिल जाएगा। तो अब इंडिया में देखते हैं कब तक इस कलर की अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट अपडेट है गाइज, वो है आईपैड से रिलेटेड। एप्पल के जो आईपैड आते हैं उनके बारे में आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ है, आप उसके थ्रू अपनी क्रिएटिविटी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। एप्पल आईपैड के अंदर भी यहाँ पर एप्पल की तरफ से एक अपडेट देखने को मिली है। यहाँ पर एप्पल ने आईपैड एयर 5 निकाला है, जिसका लुक वगैरह तो पुराने वाले आईपैड एयर जैसा ही है, साथ में डिस्प्ले भी वैसी ही है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरे में थोड़ी बहुत अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जो कि कैमरा है वो थोड़ा अपडेट कर दिया गया है। और साथ में ही काफी सारे कलर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है ये आईपैड। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि इसमें जो एक चिप है उसको यहाँ पर लगा दिया गया है, जिस चिप का नाम है M1। M1 के बारे में भी आप सभी को पता ही होगा, M1 एप्पल की बहुत ही ज्यादा स्पेशल खुद की बनाई हुई, खुद की मैन्युफैक्चर्ड चिप है, जिसकी वजह से एप्पल के प्रोडक्ट को एक अलग ही लेवल मिल चुका है आज के टाइम में। M1 चिप को जब इस आईपैड में लगा दिया गया है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस है जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी होने वाली है, साथ में ही जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा एनहेंस होने वाला है। इसके अलावा इस आईपैड में नॉर्मली आपको 500 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस आईपैड में आपको यहाँ पर USB टाइप सी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके 2x फास्ट है पहले के चार्जिंग के मुकाबले। साथ में ही ये पूरा का पूरा रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया हुआ है, मतलब कि आप इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिसाइकल्ड कर सकते हैं। GPU है उसकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर डबल देखने को मिलेगी, और M1 की वजह से आपको यहाँ पर A14 बायोनिक चिप से 60% फास्टर स्पीड और परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में आपको इस आईपैड के अंदर 5G सपोर्टिंग मिल जाएगा, और साथ में ही फ्रंट कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का मिल जाएगा विद सेंटर स्टेज के साथ। अभी जो यहाँ पर इसकी प्राइस निकल के आई है एप्पल की तरफ से वो बताई जा रही है $599। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अराउंड 55,000 रुपीज का होगा ये आईपैड एयर 5। और साथ में ही इसकी जो अवेलेबिलिटी बताई जा रही है वो 18 मार्च इस नेक्स्ट फ्राइडे से अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है एप्पल की चिप के बारे में। एप्पल की जो चिप्स हैं आपको पता ही होगा कि एप्पल ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी, चिप के मामले में एप्पल काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। एप्पल की खुद की जो चिप है आपको उसमें M1, M1 Pro, M1 Max तक अभी तक देखने को
मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर एप्पल ने अब नया एक चिप इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है M1 अल्ट्रा। और यहाँ पर कहा जाता है कि दो M1 मैक्स चिप को आपस में जोड़कर इस M1 अल्ट्रा को बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा फास्ट है, इसकी जो परफॉर्मेंस है कितनी ज्यादा शानदार होने वाली है। और जिस भी सिस्टम में इस M1 अल्ट्रा चिप को यूज किया जाएगा उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो मैकबुक प्रो से 18 गुना ज्यादा हो जाएगी और इसी के साथ में M1 मैक्स से 50 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ में इस चिप को स्पेशली डिजाइन किया गया है 8K वीडियो एडिटिंग के लिए, मतलब इसमें एकदम मक्खन की तरह आप 8K वीडियो एडिटिंग को कर सकते हो। अब इस इवेंट के अंदर हमें दो और भी नई चीजें देखने को मिली थी यहाँ पर, जिसको एप्पल की तरफ से नाम दिया गया है एप्पल मैक स्टूडियो और एप्पल मॉनिटर। यहाँ पर पहले जान लेते हैं एप्पल मैक स्टूडियो क्या है। तो एप्पल मैक स्टूडियो एक तरीके से पूरा एल्यूमिनियम बॉडी से बना हुआ है और ये दिखने के अंदर मैक मिनी जैसा ही है, लेकिन साइज में ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पर इसकी साइज का बड़ा होने का रीजन यहाँ पर एप्पल ने ये दिया है कि इसके अंदर हमने कूलिंग का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ग्राफिक्स के अंदर कि एप्पल ने यहाँ पर बताया है कि जो इसका ऊपर का सेक्शन है उसमें काफी बड़े कूलिंग फैन उन्होंने लगाए हैं, जिसकी वजह से इसका हीटिंग इशू है वो बहुत ही कम हो जाएगा और साथ में ही जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी कूलिंग की वजह से। अब यहाँ पर इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पर पोर्ट के मामले में आपको यहाँ पर सारी पोर्ट्स मिल जाएगी, यहाँ पर USB-A, USB-C, थंडरबोल्ट, HDMI और साथ में ही यहाँ पर आपको 10G ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। अगर अब इसे परफॉर्मेंस वाइज मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर एप्पल की तरफ से ये बताया गया है कि जो 27 इंच वाले iMac जो एप्पल की तरफ से आते थे उससे 2.5 टाइम्स ये फास्टर होगा। इसी के साथ में आपको एप्पल मैक स्टूडियो मार्केट में दो वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। पहला जो वेरिएंट है वो है M1 मैक्स चिप के साथ में, जिसकी मार्केट में रेट बताई जा रही है $1,999। और सेकंड जो वेरिएंट है मार्केट में जो आपको देखने को मिलने वाला है उसके अंदर आपको मिलेगी M1 अल्ट्रा जो एप्पल की नई वाली चिप है, वो उसकी जो प्राइस अभी बताई जा रही है मार्केट के अकॉर्डिंग वो है $3,999। और इनको मैं अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं तो 1,90,000 में आपको M1 मैक्स वाला जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा और 3,90,000 के अराउंड आपको M1 अल्ट्रा का जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एप्पल मॉनिटर की, जो कि एप्पल की तरफ से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट के अंदर। एप्पल ने अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल मॉनिटर यहां पर मार्केट में उतारा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। अब यहां पर शानदार क्यों होने वाला है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस आप भी सुन लीजिए, अब आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये क्यों शानदार होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले तो यहां पर आपको इस एप्पल मॉनिटर की जो फ्रेम है वो फुली एल्यूमिनियम फ्रेम मिलने वाली है। साथ में ही आपको यहां पर 6 बेस्ट स्पीकर्स जो इसके अंदर इनबिल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं स्पेशल ऑडियो के साथ में। और इसी के साथ में आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं 3 माइक, 3 USB टाइप सी, 1 थंडरबोल्ट पोर्ट। इसी के साथ में आपको इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का जो iPad के अंदर आपको देखने को मिला फ्रंट कैमरा, वो कैमरा आपको इसके अंदर भी देखने को मिलने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी शानदार होने वाली है। साथ में ही इसके अंदर A13 बायोनिक चिप भी आपको देखने को मिलने वाली। साथ में ही इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलने वाली है वो 27 इंच की 5K रेटिना डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इस एप्पल मॉनिटर की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल सिंपल सा टिल्ड करना चाहते हो अपने मॉनिटर को तो आपको खर्च करना पड़ेगा ₹1,60,000। और इसी के अलावा अगर आपको साथ में एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए जो कि आपके मॉनिटर को अप डाउन और टिल्ड करने दोनों में ही यूज आए, तो इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे ₹30,000 एक्स्ट्रा। यहाँ पर प्राइसिंग अगर देखें तो थोड़ी सी ओवर प्राइस है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस हैं वो अभी तक मार्केट में किसी और मॉनिटर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो तो डेफिनेटली इतना खर्चा करने के लिए भी तैयार होंगे। अब यहाँ पर लास्ट नॉट द लिस्ट जो कि है iPhone SE, एप्पल की तरफ से सबसे अफोर्डेबल iPhone, जो कि उसका भी एक नया वेरिएंट आ चुका है एप्पल की तरफ से जो कि है एस
E3। लुक वाइज अगर यहाँ पर बात करें तो कुछ भी अपडेट नहीं है, लुक सेम वैसा का वैसा है। बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी इंप्रूव्ड हो गई है, क्यों हुई है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर 4.7 इंच की रेटिना HD डिस्प्ले मिलने वाली है। IP67 की जो है रेटिंग वो आपको देखने को मिलने वाली है। होम बटन टच ID के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कैमरा है जो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी वाला कैमरा ही है और डिफ्यूजन के साथ में है। इसके साथ में HDR4 है, iOS 15 है, 5G है। लेकिन यहाँ पर एक जो अपडेट है वो आईफोन के अंदर, आईफोन SE के अंदर की गई है, जो कि है चिप से रिलेटेड। यहाँ पर आपको अब वाले आईफोन SE 3 के अंदर आपको यहाँ पर A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, जो कि एप्पल की लेटेस्ट आईफोन की चिप है, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये अपडेट अच्छी लगे ना लगे, लेकिन यहाँ पर मेरी तरफ से डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी और बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगी। प्राइसिंग की अगर यहाँ पर बात करें तो $429 जो प्राइस है वो बताई जा रही है और इंडिया के अंदर जो प्राइसिंग है वो अराउंड 40-45,000 के आसपास आने वाली है। और 18 मार्च से ये प्रोडक्ट भी आपको अवेलेबल होने वाला है। इंडिया के अंदर कब होगा वो देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। जब भी आएगा आप जरूर से बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, और खरीदने वाले हैं तो क्यों और नहीं खरीदने वाले हैं तो क्यों नहीं। गाइस एप्पल की तरफ से इतनी शानदार प्यारी प्यारी अपडेट्स को मैं लेकर आया हूं आप लोगों तक, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।